सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब अष्टम भाव में बुध होते हैं तो उसका क्या क्या फल होता है या क्या रिजल्ट आता है। अष्टम भाव होता है अकल्ट साइंस का, अष्टम भाव होता है जीवन में उठाने वाले रिस्क का, अष्टम भाव होता है आपकी मृत्यु का, मतलब आपकी मृत्यु किन किन कारणों से होगी वो अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव व्यक्ति को अपने विचारों में बहुत ज़्यादा गहराई भी देता है, बट यहाँ पर अगर बुध विराजमान हो तो व्यक्ति बेसिकली थोड़ा डम होता है या डल होता है, या एक तरह से कह लीजिए कि वो मंद बुद्धि होता है। अगर किसी भी कारण से वहाँ पर बुध का पोजिशन बहुत ही स्ट्रांग रहा, यानी कि 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच है, तो ऐसे लोगों को दिमाग तो अच्छा होगा लेकिन अपने दिमाग को ये लोग पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे या फिर यूज़ करना ही नहीं चाहेंगे। ऐसे लोग देखे गए हैं अक्सर टीचिंग के प्रोफेशन में, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, जर्नलिस्ट या इस तरह की चीज़ों पे वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं या अपना काम करते हैं, बट जब उनको अपना एक्शन डिलीवर करना रहता है यानी कि अपने कर्म को दिखाना रहता है तो उसमें बहुत शॉर्टकट यूज़ करते हैं या फिर मेहनत करने से कतराते हैं। अगर कोई टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स को या क्लास में बैठे हुए हर स्टूडेंट्स को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम टाइम में अपनी जो भी टॉपिक है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें कोई एक या दो पॉइंट रह जाए तो रह जाने देते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को छेड़ते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ें तुरंत 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 ख़त्म हो जाए। सेम उसी प्रकार अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट अपना हिसाब किताब सही से नहीं करता, उससे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है या फिर वो काम ही ठीक से नहीं करना चाहता। बट कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग फॉर्जरी में अव्वल क्वालिटी के होते हैं। किसी भी चीज़ की अगर पायरेसी करनी है या कॉपिंग करना है, डुप्लीकेट बनाना है, तो उसमें बहुत ही अव्वल किस्म के ये लोग उसका कॉपी या डुप्लीकेट बनाते हैं। कई बार ये लोग असैसिनेशन यानी कि किसी के पीछे षड्यंत्र रचना, इस तरह के कामों में भी बहुत ज़्यादा रत होते हैं। अगर वो किसी चीज़ की कॉपी कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल को हमेशा डिलीट करना या रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ किसी ने एक कविता लिखी हो और उस कविता को किसी ने कॉपी कर लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति कॉपी किए हुए चीज़ को अपने नाम से बेचता है या फिर अपने नाम से लोगों को बताता है। जिसने ओरिजिनली लिखा है उस चीज़ को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना यानी ख़त्म कर देने की कोशिश करता है। इसलिए जो लोग पायरेसी या डुप्लीकेसी के कामों में रहते हैं उनका अष्टम भाव में बुध होता ही है, और ये लोग अक्सर क्या करते हैं कि ओरिजिनल चीज़ों को हटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं या किसी के सामने आने ही नहीं देते। अष्टम भाव का बुध जो है व्यक्ति को थोड़ा सा स्टमरिंग यानी कि हकला के बोलना या तुतला के बोलना या फिर किसी चीज़ को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी स्थिति को बनाता है। कई लोगों को आप देखेंगे जो लोग बात शुरू करते हैं लेकिन बात को कहने में अटकते हैं, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर। किसी भी चीज़ को अपने रूप से व्यक्त करने की स्थिति इनके अंदर नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि जिनके अष्टम भाव में बुध है ऐसे लोग स्टमरिंग यानी कि अटक अटक के बोलना, इनके दिमाग में वर्ड तो रहता है, सेंटेंस तो रहता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो ज़बान पलटती नहीं है, ज़बान जैसे फ्रीज हो जाती है, अंदर जो ये ज़बान है ये बिल्कुल जाम हो जाता है। अष्टम भाव का बुध व्यक्ति को अक्सर ड्राइविंग करने में या राइड करने में ऑपोजिट साइड से आने वाली कोई भी गाड़ी को या उसकी पोजीशन को जज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सपोज़ एक व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में बुध विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति स्टेयरिंग को पकड़ के उसका फोकस सड़क पर होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी को अगर वो ठीक से जज नहीं कर पाया तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति एक्सीडेंट करेगा ही। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बेचारे चलते हुए लोगों को भी ठोक देते हैं, या फिर कोई बेचारा खड़ा है तो खड़ी गाड़ी में भी ऐसे लोग जाकर ठोक देते हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में है या नहीं। अगर अष्टम भाव में बुध है तो आपको श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और हर बुधवार को हरे वस्त्रों का दान किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।